इंतजार कर जाता कि कहिया में ट्रक घुस हो, कुछ लड़का मर जा, कुछ विद्यार्थी मर जा, कि सरकार मुआवजा दे आ जागो में कमीशन के चक्कर में नहीं विद्यालय बनता आ उम्मीद कर जाता कि अगला 5 साल आगे ना बनी। लेकिन एक और केहू माई बाप नहीं के, एक और केहू जाने वाला नहीं के कि आखिर क्या वजह बा कि विद्यालय आज भी यही जो चलता जबकि एक हटावे के आदेश हो गई बा। इतनी खतरा रहता है जिसका हम लोग मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बच्चों को हम लोग बार बार 4 शिक्षक लगा करके रोकते हैं कि बच्चा कोई रोड पर किसी भी परिस्थिति में नहीं जाए। बच्चा तो बच्चा वाला जा सकता है, जा सकता है, लेकिन हम लोग को इसके लिए निगरानी करनी पड़ती है कि जब एक बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाएगा तो क्या विभाग देगा, हम दे पाएंगे ना? कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन इस बात को हमारा विभाग नहीं समझ रहा है, यहाँ का प्रशासन नहीं समझ रहा है। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम, गोला तनी, हम है राजा रुवा देव तनी। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स के टीम अभी पहुँचल दिया सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड क्षेत्र बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से बच्चा बाबा राजद के विधायक बानी आ जिला के सांसद श्रीमती कविता सिंह जी बानी। विषय विद्यालय बार वह देख रहे उत्कर्मित मध्य विद्यालय बैसाखी अंचल पचरुखी। स्पष्ट वीडियो में देखी विद्यालय बिल्कुल अच्छा बात, सुव्यवस्थित ढंग से चलता। लेकिन जितना समय से विद्यालय चलता एक बिल्डिंग के स्थिति देख सको तनी कि अई रोड बनला के वजह से विद्यालय के कुछ क्षेत्र रोड में पड़ गई, ओके बाद विद्यालय के तोड़ दिया गई। तोड़ला के बाद विद्यालय तो समय से चलता, लेकिन का जाने कहियो ट्रक या कोनो बस अगर समय से अंदर चल गई तो यह जौन हादसा हुई ये हादसा के जिम्मेवार के हुई, यह जौन घटना हुई, यह जौन दुर्घटना हुई वो दुर्घटना के जिम्मेवार के हुई, ये जाने के प्रयास कर जाता। बहुत अच्छा अच्छा बात निकल बात जाए। सबसे बड़ा चीज़ का बावे कि आनंददायक भवन जौन बावे वो आनंददायक भवन ही टूट चुकल बा एजा सड़क में पड़ला के बाद। लेकिन सरकार के ऊपर नज़र नहीं खे, सरकार कहती है कि हर घरे तिरंगा लागू, का तिरंगा लागल, बिल्कुल तिरंगा का हम सम्मान करते नहीं, अपमानित नहीं की करत, लेकिन हर घर तिरंगा तो लागी। लेकिन युवा के साथ छात्र के साथ कितना इंसाफ ही सरकार करती है, जीता जागता उदाहरण विद्यालय बा। अरे कमरा टूट चुकल बा, प्रशासन के में विद्यालय प्रशासन के में कोनो गलती नहीं के, देखिए सड़क में पड़ल टूट गई। लेकिन अगर स्थिति देखी कि दोबारा अगर पैसा आई लेकिन आज तक ना बनल, पैसा रिटर्न कहें गई इोर बा जान ली, सरिया के मटेरियल के कमी रहल, कुछ 19-20 भइल अनबन भइल, पैसा रिटर्न चल गई। लेकिन सरकार के यहाँ ये पैसा जाके विद्यालय दब चुकल भी स्थिति अगर देख सको तनी कि सड़क से जस्ट एकदम सटल है, देखिए हाईवे हो, हई हाईवे हो, देख सको तनी ट्रक बस सब लागल बड़ी सन, हई विद्यालय हो, तो विद्यालय तो टाइम से चलता। लेकिन कोनो अगर बस ट्रक टाइम से अगर अंदर चल जा सन एक का दशा हुई, जाके विद्यार्थी के का हुई ये जाने के प्रयास कर जाए। लेकिन ये विद्यालय की स्थिति देख ली, स्थिति ये बावे ये विद्यालय के दशा ही हो गई बा। लेकिन ये पर ए जाके ना स्थानीय सांसद, ना स्थानीय विधायक, ना जिला अधिकारी, ना शिक्षा पदाधिकारी केहू के ध्यान नहीं के, जैसे कि वीरेंद्र चौधरी जी MLC बानी वहाँ के भी ध्यान नहीं के, जे भी बावे चाहे शिक्षा मंत्री होकर विद्यालय के सटले से सड़क बा, लेकिन ये पर ध्यान नहीं के, इंतजार कर जाता कि कहिया में ट्रक घुस हो, कुछ लड़का मर जा, कुछ विद्यार्थी मर जा, कि सरकार मुआवजा दे आ जागो। अच्छा कि बिहार सरकार हो आ बिहार सरकार बिना घटना दुर्घटना के ना जागे ले, अगर बिना दुर्घटना के जाग जाए तो स्कूल बन जाए। देख सकते नहीं कि अगर कोनो गाड़ी तुम देखा कैमरा पर्सन कि तुम कोनो गाड़ी डिसबैलेंस हो तो सीधा रूम में जाई, देखा तुम पीछे हट के सीधा रूम में जाई। आ ए बेरा के ओ बेरा के कोनो बेरा के जो नहीं बिहार के बिहार सरकार के छोटा इंजीनियर बारे सन वो कनिए के बनावल स्कूल हो तो गाड़ी तो स्कूल में जाहिर सी बात में किए बगल से वो बगल से घुस जाए। अरे कितना मजबूत काम होला बिहार सरकार के रहुआ जानते नहीं आ हमू जानते नहीं, अगर वह कराओ दिन तब जानते नहीं, हमू कराओ दिन तब जानते नहीं। तो सरकार कहीं ना कहीं इंतजार करती है बहुत बड़ा दुर्घटना के, कि सिवान में बहुत बड़ा दुर्घटना हो को कि जब नेताजी लोग पहुँची, चाहे आज पप्पू यादव भी सीमान पहुँचता रहन, नेताजी लोग पहुँची आ गहरा शोक संवेदना प्रकट करी लोग, ऐसे प्रकट करी लोग कि ये लोग मरी
इंतजार करी लोग मरे के। तो विद्यालय की स्थिति देख ली कि आधा टूट चुकल बा, सड़क में पड़ गई बा, फिर भी केहू माई बाप नहीं खे। ना आई जाके सांसद महोदय के दिखता, ना आई जाके विधायक के दिखता, ना MLC के दिखता, केहू के दिखत नहीं के कि स्कूल हो आई बने के चाही। मार्च साहब बानी, मार्च साहब भी अंदर बैठल बानी, मार्च साहब स्कूल के दशा कहाँ ऐसा बा, एमें तो और कमी नहीं है। प्रणाम दशा कहाँ है भाई स्कूल के? देखिए 4 साल पहले विद्यालय समर बहादुर यहाँ SSA के DPO थे, तो पब्लिक से मिल करके 4 साल पहले विद्यालय को तोड़वा दिया गया, क्योंकि NH में पड़ गया था, पूरा बिल्डिंग पड़ा हुआ है। और 4 साल पहले पैसा भी आ गया पूरा बिल्डिंग का, 60 लाख रुपया आया जो SSA के अकाउंट में पड़ा हुआ है, जबकि पैसा आना चाहिए विद्यालय के अकाउंट में, विद्यालय के अकाउंट में नहीं आया, SSA में आया। और SSA आज तक पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने कई बार विधायक जी से, जो यहाँ के पूर्व विधायक हुआ करते थे शाम बहादुर सिंह से, लिखवा करके हम लोग दिया। हम लोग अपने कई बार गए, जेई से मिले, एई से मिले, एई हैदर अली अंसारी हैं, BO साहब से, DO साहब से भी मिले, किसी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि यहाँ बराबर खतरा बना रहता है। आज तक यदि पैसा मिला रहता तो विद्यालय शिफ्ट कर गया रहता इसके उस रोड के उत्तर साइड में, बाउंड्री बन चुका है, लेकिन पैसा के अभाव में 60 लाख रुपया SSA रखे हुए है, अभी तक हम लोग को हस्तगत नहीं कराया। क्या माना जाए, सरकार प्रशासन जो भी बावे बड़ा घटना के इंतजार करता का? हाँ, यही हो सकता है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि कोई यहाँ बड़ी दुर्घटना हो जाए तब इस पर संज्ञान लिया जाए। कितना खतरा बना ऐसे कि दोनों बगल सड़क है? दोनों बगल सड़क है, और यहाँ तो इतनी खतरा रहता है जिसका हम लोग मैंने अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बच्चों को हम लोग बार बार 4 शिक्षक लगा करके रोकते हैं कि बच्चा कोई रोड पर किसी भी परिस्थिति में नहीं जाए। बच्चा तो बच्चा वाला जा सकता है? जा सकता है, लेकिन हम लोग को इसके लिए निगरानी करनी पड़ती है कि यदि एक बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाएगा तो क्या विभाग देगा? हम दे पाएंगे ना? कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन इस बात को हमारा विभाग नहीं समझ रहा, यहाँ का प्रशासन नहीं समझ रहा है, और हम लोग बार बार प्रयास करते हैं लेकिन हम लोग के प्रयास से कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ है। सिर्फ वहाँ बाउंड्री का पैसा आया था, बाउंड्री हम लोगों ने बनवा दिया है, 4 साल से वैसे ही पड़ा हुआ। अब पैसा के इंतजार में हम लोग हैं। पैसा कोष में है, SSA के कोष में है। NHI दे दिया है पैसा, NHI ये दे दिया है पैसा, पैसा दे दिया है। SSA के अकाउंट में पैसा है, वहाँ से नहीं आ रहा है। कमीशन ना दे दोगे? अब जाहिर सी बात है कि हम लोग को सुनने में आ रहा था, जैसे जेई कह रहे थे, यही कह रहे थे कि हमारा ठेकेदार जाएगा तो बनाएगा, तो हम लोग बनवाएगा। हम कि भाई किसी तरह बनवाइए आप, हमको उसमें परेशानी नहीं है, और हो सकता है कि इसी के चलते लोग पैसा रोके हुए हों कमीशन खातिर, कमीशन के लिए। चल रहुआ से अधिक बात हम जानते नहीं, जैसे कि अभी हम पत्रकार के साथ जो प्रतिनिधि बात के हमरा से बढ़िया के जाने की कमीशन कोई परसेंट देवे के पड़ता। चल स्पष्ट वीडियो में देख ली कि ये विद्यालय कैंपस बा, है विद्यालय के ऐसा ऐसा बेहुद्दा लोग विद्यालय के बगल से भोजपुरी बजावल जाला, जो बेहुद्दा बारा सन ऐसा ऐसा बेहुद्दा रोड से जाते जैसा भोजपुरी बजावल जाते जैसा, जौना के कोनो मर्यादा नहीं के। लेकिन देख ली जब विद्यालय के छुट्टी भई बा, तो छुट्टी के स्थिति देख ली कि आखिर लड़का केम है जैन, बगल में स्टेट हाईवे है, ओकरा बगल में लिंक रोड है, तो चली ये पूरा विद्यालय जैसे उठ के NHI में पढ़ के और दूसरा जगह शिफ्ट हो गई बा। लेकिन एक कुकुर तो दूबर का है तो दूघर के आवाज आई में कमीशन के चक्कर में ना विद्यालय बनता, आ उम्मीद कर जाते अगला 5 साल आगे ना बनी। लेकिन एक और केहू माई बाप नहीं के, एक और केहू जाने वाला नहीं के कि आखिर क्या वजह बा कि विद्यालय आज भी यही जो चलता, जबकि एक हटावे के आदेश हो गई बा। बड़ा वीडियो देखने मैच बॉक्स पर ये मुहिम अच्छा लगा तो कहते विद्यालय खातिर एगो शेयर बनता, शेयर करी वीडियो के फैलाई आ तब तक कहते मैच बॉक्स।